एक मिनट का अभ्यास करेगा आपको इंग्लिश में बिंदास। दोस्तों आज इस लाइन से मैं इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। आई एम जावेद एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल वाफ़े इंग्लिश गुरु। दोस्तों अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जब हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो हमारा दिमाग सेंटेंस को सोचने लग जाता है और उनको ना शब्द समझ में आते हैं कि उस सिचुएशन में कौन से शब्द यूज करें और ना सेंटेंस समझ में आते हैं। अगर आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको सेंटेंसेस याद भी नहीं आएंगे। किस तरीके के सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करो? दोस्तों एक मिनट में आप ग्रामर के उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए जो आप डेली लाइफ में बोलते हो। जैसे कि मैं बात करूं हैव की, हैव की फैमिली का एक मेंबर है, हैज, हैव, हैड और विल हैव। इसमें मैं आपको आज हैव के बारे में बता रहा हूं, इसके अलावा आप हैज, हैड इनकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। दोस्तों आप सबसे पहले अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एक स्टॉपवॉच का जरूर यूज़ कीजिएगा। दोस्तों ये स्टॉपवॉच आपके मोबाइल में भी हो सकती है और बाकी आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों एक मिनट में आप कितने सेंटेंसेस आप बोल सकते हो इसको आप काउंट कीजिए। एक मिनट का टाइम सेट कीजिए और उसे नोट कर लीजिए कि आप एक मिनट में कितने सेंटेंस बोल सकते हो। क्या पता आप एक मिनट में 30 सेंटेंस बोल सके हो, क्या पता आप 40 बोल सको। जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, जितना भी आप बोल सकते हो उतना आप बोलिए। तो अभी मैं आपको एक डेमो दे देता हूं। जैसे आई हैव अ कार, आई हैव नो कार, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव नो लैपटॉप, आई हैव गन, आई हैव नो गन, आई हैव फैन, आई हैव नो फैन, आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव नो फ्रेंड्स, आई हैव बाइक, आई हैव नो बाइक, आई हैव लैपटॉप, आई हैव नो लैपटॉप, आई हैव कंप्यूटर, आई हैव नो कंप्यूटर, आई हैव बुक, आई हैव नो बुक, आई हैव शर्ट, आई हैव नो शर्ट, आई हैव नोज, आई हैव नो नोज। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को आप बोल लीजिए। दूसरा टू बी फैमिली, टू बी फैमिली इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी। दोस्तों अब मैं आपकी प्रैक्टिस करवाता हूं एम की। तो एम हमेशा लगता है हूं में, जैसे कि मैं टीचर हूं, आई एम टीचर, मैं टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट टीचर, क्या मैं टीचर हूं, एम आई टीचर। तो दोस्तों आप एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरगेटिव में भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक मिनट स्टार्ट करते हैं। आई एम टीचर, आई एम नॉट टीचर, एम आई टीचर, आई एम डॉक्टर, आई एम नॉट डॉक्टर, एम आई डॉक्टर, आई एम बिजी, आई एम नॉट बिजी, एम आई बिजी, आई एम फ्री, आई एम नॉट फ्री, एम आई फ्री। और इस तरीके से दोस्तों आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों आप ये प्रैक्टिस धीरे धीरे कर सकते हो, मुझे तो वीडियो छोटे लेंथ का बनाना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। दोस्तों इसी तरीके से आप मॉडल वर्ब इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि हम बात करें कैन की, तो कैन का मतलब होता है सकता है, सकता हूँ, ये सकती है। तो जैसे हम बात करें कैन की, इसके सेंटेंस हो जाएंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। दोस्तों फिर से वन मिनट आप स्टार्ट कीजिए। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, कैन आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट, कैन आई प्ले क्रिकेट। आई कैन रिपेयर दिस फोन, आई कैंट रिपेयर दिस फोन एंड कैन आई रिपेयर दिस फोन। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों और अपने सेंटेंसेस को काउंट जरूर कीजिए। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और जब आप इंग्लिश बोलोगे तो आप जहां देखोगे आपको सेंटेंस मिलेंगे, क्योंकि आपने इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। अब आपका माइंड और माउथ के बीच बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बन चुका है और आप इससे आप इंग्लिश तेजी से बोलोगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। करता हूं टेंस की, टेंस में भी मैं आपको एक टेंस बता देता हूं। अगर आपको टेंस और इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानना है दोस्तों तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो और इनके बारे में आपको बहुत अच्छी टिप्स इन वीडियोस में मिल जाएगी। इनका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, वहां से आप क्लिक करके इन वीडियोस को भी आप देख सकते हो। दोस्तों मैं टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि हम ताहे तीहे का यूज करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी टेंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। फिर से एक मिनट आप अपने स्टार्ट कर लीजिए और इसे काउंट कर लीजिए। जैसे कि आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, आई स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश, आई हेल्प यू, आई डू नॉट हेल्प यू, डू आई हेल्प यू, आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट एंड डू आई प्ले क्रिकेट। इस तरीके से दोस्तों आप गिन लीजिए आपने कितने सेंटेंसेस बोले हैं। इस तरीके से आप ग्रामर के अलग अलग फेज की प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। डेली एक मिनट की इस प्रैक्टिस को आप कीजिए और देखिए आपकी इंग्लिश
बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, आपको शब्दों को और सेंटेंस को ढूंढना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका माइंड अब इस चीज का आदि हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को वाफ हुई इंग्लिश ग्रुप। बाय बाय, सी यू।